रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने वालों के नाम यके बादिगरे लिखते हैं, और अव्वल वक्त दोपहर में आने वाले की मिसाल उस आदमी की सी है जो अल्लाह के हजूर में ऊंट की कुर्बानी पेश करता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाले की मिसाल उस आदमी की सी है जो गाय की कुर्बानी पेश करता है। फिर उसके बाद आने वाले की मिसाल मेंढा पेश करने वाले की है, और उसके बाद मुर्गी पेश करने वाले की, उसके बाद अंडा पेश करने वाले की। फिर जब इमाम खुतबा के लिए मिंबर की तरफ जाता है तो ये फरिश्ते अपने लिखने के दफ्तर लपेट देते हैं और खुतबा सुनने में शरीक हो जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 881। अल्लाहु 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 अल्लाहु।